द चैनल। तो आज संडे राइड हमारी काफी दिनों के बाद, और मैं पूरा पैक वैक हो चुका हूँ। गाड़ी साफ करनी है, थोड़ा सा इसको वार्म अप करना है, एंड मौसम का हाल ये है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी। और पुराने वाला वीडियो तुम्हारा ऐसी पेंडिंग पड़ा रहेगा, इसकी हवा भी कम है अभी। ओहो, पेट्रोल भी ब्लिंक कर रहा है, पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा इसमें। ओके, हाँ भाई, बस वार्म अप कर रहा हूँ, साफ करके ला रहा हूँ। 200 फीट पहुँच, तो अभी हमारे पास न्यू राइडर आए हैं, तो उनसे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, और जो बाकी के 14 नंबर मिलेंगे, और यहाँ के जो राइडर है मानसर ओवर की साइड के, वो 200 फीट पे हमको मिल जाएंगे। वी आर सेट टू गो। थोड़ी बाइक की क्लीनिंग जरूरी है, जार डाउन कर लिया जाए। आपको डायरेक्ट लोकेशन पे, हमारी फर्स्ट लोकेशन मीटअप लोकेशन 200 फीट पे मिलते हैं अभी डायरेक्ट। तो अभी हम हमारी मीटअप लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जस्ट इन सेकेंड। देखते हैं कौन कौन पहुंचा है अभी तक यहाँ पे। मेरे को एक या दो बंदों के अलावा कोई नहीं पहुंचा लग रहा है, कोई भी नहीं। और मेरी आज की लिस्ट में 14 बंदे ऐड हुए हैं, देखते हैं कौन कौन बंदे आते हैं। अरे लौंडे, तो पहला स्टॉप हमारा। सो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा लिया गया है। यहाँ पर रामचारी खड़ी है, मिश्रा भी हवा भरा रहा है, सॉरी ऑयल भरवा रहा है, और हवा वाला बंद है, तो हमारी गाड़ी में आगे वाले टायर में हवा कम है थोड़ी। तो वी आर सेट टू गो, भाइयों का फ़ोन आ रहा, आ जाओ जल्दी से, अभी हम 200 फीट पे हैं, वो 14 नंबर पे हमारा वेट कर रहे हैं। तो एक दो दिनों का वेट और कर रहे हैं, फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। बाकी सब 14 नंबर मिलेंगे हमको, एंड इंजन ऑयल कम है बाइक में, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा अपने को। आ गया चूजा, उड़ता हुआ चूजा। चल चल, उतर मत, उतर मत, उधर रुक लेंगे। चल चल चल, ये है हमारी आज की क्रू। कैसे आने में लेट हो गया? अरे यार, ये माधव चौद ने लेट कर दिया भाई। सोनू भाई, सोनू भाई, सोनू सोनू भाई, दीपक, क्या नाम भैया? सोनू भाई,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या साबे तो कुछ भी नहीं पता यार, मैं 6:30 बजे 200 फिट से खड़ा। जब पता हमारा क्या उधर से और कोई भी आ रहा है? नहीं नहीं चलो शायद आवाज आ रहा है। भाई का पूछ ले किसकी वजह से लेट हुई, ये अपने मुंह से ही बोल रहे हैं। तो पता नहीं जब हम लेट होते हैं भाई। उसको मैंने 6:30 बजे मैं उठा था तभी फोन कर दिया था, बोलो भाई यार 7 बजे का कर ले। हाँ so here is our crew for today. थोड़ा डर बैठ ले बैठ जाए यहाँ तो लोकेशन पता है ना तेरे को, तो तू आगे हो जा। राहुल भाई चलो लोकेशन बता दे, हम तो कल परसों राउंड मार के तो तुम दोनों आगे हो जाओ, मैं पीछे देख लूंगा। चल अरे इसको बोलो लोकेशन बताना, आगे हो जाएंगे दोनों अपन। कुछ नहीं, मैं इसको बंद कर दे, पुलिस वाले धर लेंगे इसको, नीचे वाली को बंद कर दे। अरे आगे हो जा तू, पेट्रोल डला ले पहले, आगे चल ले पेट्रोल डला। पहला पेट्रोल पंप आती है मुड़ जाना उस पे। पहला पेट्रोल पंप आएगा कितनी दूर? कभी भी आ जाएगा। पहला पेट्रोल पंप मेरे को पता था क्या? तो लोकेशन का नज़ारा कुछ इस तरह से है। अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और आधी गाड़ियां उस साइड में खड़ी है एंड दो चार इधर खड़ी हैं। तो अभी मंदिर में चलते हैं, अपन दिखाते हैं आपको अंदर जाके। सो गाइस आज बनी थी 14 जनों की लिस्ट, उसमें से 12 जन यहाँ अवेलेबल हैं। ये है यहाँ की लोकेशन एंड पीछे देखो पूरा फोग फोग हो रहा है अभी भी। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी फिर भी हवा चल रही थी ठंडी, अभी धूप की वजह से सारा माहौल नॉर्मल हो जाएगा। एंड अभी हम मंदिर के अंदर जाके आ जाते हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ का सीन। लोकेशन वास्तव में जयपुर के पास है पर बेस्ट लोकेशन अभी तक की, शॉर्ट राइड के लिए, ट्रैकिंग के लिए भी है। एंड लोकेशन देखो, आप बातें मत सुनो, लोकेशन देखो। अब दिखाते हैं, ये है यहाँ की लोकेशन। पहाड़ी एकदम ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी पहाड़ी है और सामने पहाड़ी पहाड़, फोग देखो एकदम मस्त लग रहा। ये इस साइड से लोकेशन है और उस साइड से सामने हाईवे है, हाईवे से ज़्यादा अंदर, ज़्यादा बाहर की साइड में नहीं है लोकेशन वैसे। अभी अंदर चलते हैं मंदिर में अपन। Thank you.
सो ये थी यहाँ की लोकेशन। यहाँ के लोकेशन का नाम राम रुनिजा है, जो जयपुर से 72-40 किलोमीटर ही है। और यहाँ की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो भी भाई लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं उनके लिए बेस्ट लोकेशन रहेगी है आसपास के एरिया में, तो मैं इसकी लोकेशन ज़रूर डाल दूँगा। अभी हम थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे, बाइकों के साथ नीचे चल रहे हैं, सब बुलाने लग रहे हैं, चलते हैं अभी नीचे अपन। तो हियर इज अपन, तो ये है विक्रम, इसका चैनल का नाम विकी राइडर्स एंड बाकी वीके राइड्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और यहाँ सारे लोग वेट कर रहे हैं अपना। यहाँ पे है पानी की टंकी और ये है नीचे जाने के लिए रास्ता पैदल यात्रियों के लिए। ओहो हो हो, कितना बड़ा पेड़ है। ये है देखो यहाँ की लोकेशन, नीचे उतरते टाइम, ऊपर चढ़ते टाइम तो मेरा कैमरा डेड हो गया था जिसके कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। अब देखो मैं जा रही यहाँ के मैं, एकदम से कॉर्नर पे बनी हुई है, जरा से भी लापरवाही और आप नीचे जाएंगे गुड़ते गुड़ते। तो सभी भाई लोग आराम से बिना लापरवाही के नीचे उतर रहे हैं आराम से। भाई के घर पे यहाँ पे एंड सारी गाड़िया सब लोग देख रहे हैं, ये पूरे गांव का एंड आ गया से लग रहा है मेरे को। इनका ये पूरा चौक गाड़िया गाड़िया भर दी है यहाँ पे। आज हमने इस गाड़ी पे न्यू पे स्टिकर लगा दिया, एक उस एक्सल से लगाया है और जिस जिस गाड़ी पे स्टिकर नहीं सब पे स्टिकर लगा देंगे आज ग्रुप का। बाकी सब बढ़िया है, उनको जरूरत है तेरी यूक्रेन में जरूरत नहीं, घरवाड़ा को जरूरत है फिलहाल। यहाँ चाय, सामने हमारा ग्रुप बकचोदी करते हुए, ये है भाई का घर और हम बैठे हैं शेड के नीचे। अभी हम निकल चुके हैं दोस्त के घर से एंड आई होप आप लोगों को आज का हमारा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, बाकी रास्ते का तो आपको क्या ही दिखाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ and always wear helmet.